हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग कस्टम यूआरएल लिंक सेट कैसे कर सकते हो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को फुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी बेल पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, क्रोमा को ओपन करना है, ठीक है। तो क्रोमा को ओपन करना है, तो मैं क्रोमा को ओपन कर लेता हूँ। क्रोमा ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको यूट्यूब सर्च कर लेना है, www.youtube.com, ठीक है। आप यूट्यूब सर्च कीजिएगा तो आपका चैनल जो है आ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। टाइम लेने के बाद दोस्तों क्या करना है, थोड़ा अभी सर्च ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करना है, जो लोगो है लोगो पर क्लिक करना है, और लोगों पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, थोड़ा अभी नेटवर्क जो है बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, योर चैनल पे क्लिक करना है। योर चैनल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, कुछ न्यू इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगी, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों, कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो थोड़ा मैं लोडिंग लेने देता हूँ, देख सकते हैं कुछ लोडिंग वगैरह ले रहे हैं, ठीक है। तो होने देता, तो देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से लोडिंग होगी, ठीक है। लोडिंग होने के बाद देख सकते हैं, थोड़ा लोडिंग अभी ले रहा है, ठीक है। नेटवर्क जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नेटवर्क स्लो चल रही है, एंड तो देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको मिलने को मिलेगी, ठीक है। तो क्या करना है दोस्तों, देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बेसिक इन्फो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, थोड़ा आपको ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद ऊपर आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेट ए कस्टम यूआरएल फॉर योर चैनल, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, देख सकते हैं ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है आकाशवन ऑफिशियल, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको पब्लिश पे कर देना है क्लिक, और यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो कन्फर्म पे क्लिक हो जाने के बाद, तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे टिक मार्क लग गया, ठीक है दोस्तों। तो वो जो है आपका सेव हो जाएगा। तो थोड़ा हम वेट करते हैं 2 सेकेंड, ठीक है। थोड़ा लोडिंग ले रहा है, ठीक है। तो थोड़ा लोडिंग मैं होने देता हूँ, एंड तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे गो टू चैनल आपका हो गया सेव, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी बॉल पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं।